राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश के मनासा में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग को मुसलमान होने के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। हत्या का आरोप एक बीजेपी नेता पर लगा है। इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी तमाचे मारते हुए बुजुर्ग से आधार कार्ड दिखाने के लिए कह रहा है। मारे गए पीड़ित की पहचान रतलाम जिले के भवरलाल जैन के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स भवरलाल जैन को चांटे मारते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि मारपीट करने वाला व्यक्ति बुजुर्ग से पूछते नजर आ रहा है, क्या तेरा नाम मोहम्मद है? जावरा से आया है, चल तेरा आधार कार्ड बता। वही मार खाने वाला बुजुर्ग दयनीय हालत में कहते हुए नजर आ रहा है कि 200 रुपए ले लो। मोहम्मद मोहम्मद नाम है, सही नाम है, जैसे ही ये वीडियो मृतक के छोटे भाई राकेश जैन ने देखा तो वह गांव के लोगों को लेकर बड़ी संख्या में मनासा थाने पर पहुंच गए और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। मनासा पुलिस ने वीडियो की जांच की और मारपीट करने वाले की पहचान कर ली है। आरोपी का नाम दिनेश कुशवाहा है, जो कि मनासा के काछी मोहल्ले का ही रहने वाला है। आरोपी की पत्नी बीजेपी के टिकट पर नगर पार्षद रह चुकी है। अब पुलिस ने पूरे मामले में आईपीसी के धाराओं 304 और 302 के तहत केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।